अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। एक बार की बात है कि तीन भाइयों में दान को लेकर बहस हो गई। बड़ा भाई बोला, तुम दोनों को पता नहीं है कि दान धन का ही अच्छा होता है, इसे कोई भी किसी भी काम में ला सकता है। मझला भाई बोला, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि सबसे अच्छा दान गौ का होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कुत्ता दोनों की बात सुनकर बोला, आप दोनों गलत कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा दान भूमि का होता है, यह शास्त्र वचन। कोई फैसला ना होने पर तीनों पिता के पास गए। पिता ने उन तीनों को दान के लिए बड़े को धन, मंझले को गौ और छुटके को भूमि दी। तीनों ने एक ही भिखारी को बारी बारी से वे चीजें दान कर दी। कुछ माह बाद पिता उन तीनों को वहां लेकर गए जहां भिखारी भीख मांगता था। उन्होंने देखा भिखारी अब भी भीख ही मांग रहा था। उसने गाय और भूमि बेचने के बाद प्राप्त धन को बड़के के धन के साथ मौज मस्ती में उड़ा दिया था। पिता ने उन तीनों को समझाते हुए कहा, सर्वोत्तम दान ज्ञान का होता है, यह ऐसा दान है जिसका उपयोग जीवन में कभी भी किया जा सकता है और यह कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान का दान देने से ज्ञान बढ़ता ही जाता, कभी कम नहीं होता।